नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्टाइल 691 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरिपोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के करियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरिपोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी मां छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब मां का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस.जे. सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में सिक्स 931 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शेष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायंकर मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम। इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में सेक्शन 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शेष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 931 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरिपोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है, जिससे परेशान करता है और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2000 2023 में स्थायी शीर्ष नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारित शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों, इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों, इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्टाइल 691 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शेष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरिपोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जे जेक बिजोई ने तैयार किया था। छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरीपोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सरीपोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरीपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में दोस्तों, इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है, तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्टाइल 691 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब मां का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब मां का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों, इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों, इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरिपोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्टाइल 691 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में दोस्तों, इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों, इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों, इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधिकारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरिपोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है, जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 2023 में स्थायी शीर्ष 1931 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रोम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारित शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में सिक्स 931 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारित शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्टाइल 691 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जैक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरी पोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्थायी शीर्ष 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवारम 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब मां का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी, जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सारी पौंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरिपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में स्टाइल 691 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूम में अभिनेता की 31वीं फिल्म है। और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था। छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरीपोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता है जिससे परेशान करते हैं और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता है जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सरीपोंदा शनिवारम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी सरीपोंदा शनिवारम, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विवेक ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 77% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो 10 में से 7.4 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.4 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, गूगल यूजर्स की तरफ से 84% इस मूवी को पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको नानी, प्रियंका अरुल मोहन, एस जे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में दोस्तों, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 46 मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में दोस्तों, इस मूवी का बजट 90 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में सिक्स 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 31वीं फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा कुछ दिनों बाद ही की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने से शुरू हुई और कई चरणों में छुटपुट किया गया था। मुख्य हैदराबाद में फिल्म का संगीत जेक बिजोई ने तैयार किया था, छायांकन मुरली जी ने किया है और संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। 90 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह नानी के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है। सरी पोंदा शनिवार 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आलोचनाओं से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली है। सूर्य सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म NLIC में एक बीमा एजेंट जो क्रोध प्रबंधन की महत्वपूर्ण मुद्दों में जूझ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी माँ छाया देवी उसके वादा करते कि वह प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। उनके शनिवार को चुना क्योंकि वह दिन जब माँ का निधन हो गया था। एक वैसे रूम में वह एक डायरी रखता जिसमें वह उन लोगों के नाम और अपराध दर्ज करता जिससे परेशान करते और प्रत्येक शनिवार को उसकी समीक्षा करता है। वह अपने गुस्से पर तभी कार्रवाई करता जब उसे एक करना उचित लगता है, जिससे हिंसक प्रवर्तिक को अपने पिता संक्रम, अपनी बहन भाद्रा, अपनी चचेरी बहन कल्याणी जिसे वह प्यार से कल्लू कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।